जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बीए के बाद क्या करें, एमए करें, बीएड करें, एमबीए करें या फिर कोई और कोर्स करें? तो साथियों, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे थे, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, कि आप एमए करें, बीएड करें या फिर एमबीए करें या कोई और कोर्स करें, आपके लिए कौन सा कोर्स करना सही है आज की डेट में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, बीए आपने कर लिया है, अब आप कंफ्यूज हैं कि आपको एमए करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए या फिर हम कोई और कोर्स करें। तो साथियों, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें किस लाइन में जाना है, हमें क्या करना है, हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, हमें एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चरर बनना है, तो ये हमें डिसीजन लेना होगा। अब इसमें कैटेगरी वाइज को डिवाइड करते हैं। यदि आपको बनना है स्कूल टीचर, फर्स्ट क्लास से लेकर और टेंथ क्लास तक आपको टीचर बनना है, तो आप बीएड कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं। अब यदि आपका एम है कि आपको क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, यानी कि 12th क्लास का लेक्चरर बनना है, 11th 12th के आपको किसी भी एक सब्जेक्ट का क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, फिजिक्स का बनना है, आपको हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, मैथ का बनना है, साइंस का बनना है, हिंदी का बनना है, किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो आप एमएससी कर सकते हैं, और उसके बाद आप पीजीटी के जो फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। आपको एमए के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, यानी कि एमए में कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे क्या है कि एमए भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो हम क्या गलती करते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो साथियों, अगर आपको जाना है क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, या आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो भी आप अपना एमए कर सकते हैं, यानी कि एमए के बाद में आप जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं पर मंथ, जिससे आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये है आपका, यदि आपको इससे आगे आपको पीएचडी की तरफ जाना है तो भी आप अपना एमए कर सकते हैं, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए और उसके बाद आप डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। पहले आपको एमफिल करना पड़ता था, लेकिन अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एमए के बाद क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों कि किसको एमबीए करना चाहिए। साथियों, यदि आपका मन है कि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, बैंक में आपको मैनेजर बनना है, कंपनी में आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बोलना अच्छा लगता है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी अच्छी है, तो वो लोग एमबीए कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है, हाई वैल्यूएबल कोर्स है, इसको करने के बाद में जॉब बहुत अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छी अच्छी जॉब है, बैंक में मैनेजर के लिए भी पोस्ट निकलती है, यदि आपने एमबीए कर लिया तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमबीए करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में ही जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, यानी कि आप क्या हो जाते हैं, यदि कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती है तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एमबीए भी काफी अच्छा कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों कि इनके अलावा भी और कोई हम कोर्स कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपको लॉयर बनना है तो आप बीए के बाद एलएलबी कर सकते हैं, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको जर्नलिज्म की तरफ जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, यदि आपकी कोई ड्रॉइंग अच्छी है, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है, तो सभी के लिए आपके क्या बना दिए गए हैं, डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्स बना दिए गए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो साथियों, डिपेंड करता है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो आपको यदि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।